hello children once again so we are again back to find zero of the polynomial so let's find out we are left with question number 4 find the zero of the polynomial in each case so let's find one by one again all zeros of the given polynomial so children this is the polynomial given to us हमें पोलिनोम दे रखा है हमें इसका जीरो निकालना है अगर आपको किसी भी पोलिनोम का जीरो निकालना है तो सबसे पहले उस पोलिनोम को जीरो के इक्वल में रख दीजिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या रखा पी को जीरो के इक्वल रख दिया तो एक्स प्लस फाइव कितना आ गया जीरो आ गया अब तो बहुत ईजी है फाइव को उधर ट्रांसपोज कर दो जीरो माइनस कितना आ गया माइनस तो ये क्या हो गया इसका जीरो हो गया पोलिनोम का x equal to minus five is a zero of the polynomial. ठीक है समझ में आया अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें द सेकंड वन पी x इक्वल टू एक्स माइनस फाइव तो अगेन सेम चीज करना है इसको जीरो के इक्वल रख देना है और ये निकल गया हमारा जीरो तो so व्हाट x इक्वल टू फाइव इज इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये जीरो आ गया इस पॉलिंबर ठीक है अब कहते हैं थर्ड वन अब देखो ये लो पी एक्स इक्व टू टू एक्स प्लस फाइव तो क्या करें जीरो निकालने के लिए वापस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो टू एक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस फाइव टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू ये क्या आ गया इसका जीरो ऑफ दी पोलिनोम ये हमारा क्या हो गया पोलिनोम का जीरो हो गया समझ में आया बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी नेक्स्ट वन अगेन वी टू फाइंड जीरो तो वापस क्या करना है हमें इसको जीरो के इक्वल रख देना है थ्री एक्स इक्वल टू जीरो प्लस टू थ्री एक्स इक्वल टू टू हमने पोलिनोम की वैल्यू किसके बराबर रख दी जीरो के बराबर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई से टू बाई थ्री तो क्या लिखेंगे देयर फोर एक्स इक्व टू टू बाई थ्री दी जीरो क्या हो गया जीरो हो गया पोलिनोम अब है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फाइव चिल्ड्रन फाइव भी देखो पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स तो अगेन विल पुट पोलिनोम को हमको जीरो के इक्वल रख देना है तो क्या रिजल्ट आया थ्री एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो गया जीरो आ गई वैल्यू। इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जीरो हो गया पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या हुआ इसका पॉलिनोमियल का जीरो हो गया अब सिक्स्थ वाला पार्ट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स अब सिक्स सेवेंथ पार्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो हमको क्या करना है जीरो निकालना है तो इसको जीरो के एक को रख दीजिए सबसे पहले तो ए एक्स कितना हो गया जीरो तो एक्स के लिए कितनी हो गई जीरो बाय ए जीरो बाय ए कितना होता है जीरो ही होता है देयर फोर इट इज एट इज दीरोनो अब नेक्स्ट पार्ट और देख लो लास्ट पार्ट हमारा ये सेवेंथ पार्ट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंट पार्ट आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट डिफरेंट नंबर इज देयर क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट पी एक्स इक्वल देखो उसको अच्छे से पीएक्स इक्वल टू क्या गिवन है हमको सी एक्स प्लस डी और यहाँ भी देखना यहां पे बोला था कि ए जीरो नहीं है यहाँ देखो यहाँ ए जीरो नहीं अगर ए जीरो वैसे ही हो जाएगा तो ए तो जीरो हो जाएगा। तो A0 नहीं होना चाहिए और यहाँ भी ऐसे ही सी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि सी जीरो तो पोलिनोमेल ही नहीं रहेगा सिर्फ डी रह जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो अब जीरो निकालते हैं तो हम पी एक्स को किसके इक्वल रखते हैं पहले जीरो के मीन्स सी एक्स प्लस डी की हो गई जीरो और डी को क्या करना है आपको ट्रांसपोज करना उधर गया तो गया क्या हुआ माइनस डी हो जाएगा जीरो माइनस डी माइनस डी एक्स क्यूली आ गई माइनस डी बाई सी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द पोलिन ये भी क्या हो गया जीरो हो गया पोलिन तो समझ में आया बच्चों आज हमने क्या क्या किया सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग सो लेट्स फिनिश टुडे And we'll meet again with the next topic. So keep watching. Thank you so much for watching this video. Goodbye. See you again.